राजधानी भोपाल में पिछले दो दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते शहर के कई निचले इलाके और बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनी है। तो वहीं शहर के कई मुख्य मार्गों को जलभराव के चलते बंद कर दिया गया है, जिसके चलते राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ विनीत पाठक ने। राजधानी भोपाल में लगातार दो दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते तमाम जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई। आप देख सकते हैं, ये हम भदभदा चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो मेन रोड है भदभदा से नेहरू नगर को जोड़ने वाला, वो रोड जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी जो निकल रही हैं पानी में होकर, ये पूरी गाड़ियाँ निकलना पड़ रही हैं और टू व्हीलर वाहनों के लिए पूरा का पूरा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं घुटनों घुटनों तक यहाँ पर पानी भर चुका है। हालाँकि प्रशासन ने फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया है, लेकिन तमाम जो निचली बस्तियां हैं राजधानी की वो पूरी तरीके से लबालब हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो लगातार पानी निकासी के उपाय कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश चल रही है उसे देखते हुए लगता है कि अभी जो आम लोगों की मुश्किलें हैं वो कम होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी रहेगी, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें अब बढ़ना शुरू हो गई। कैमरा पर्सन विकी के साथ विनीत पाठक, एशियन भारत।